ये है मार्सेल ला कानाड, पेरिस की पहली टूरिस्ट बस जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। पानी में उतरते समय ड्राइवर पहिए को डिसेबल और प्रोपेलर को एक्टिवेट कर देते हैं और पानी में उतरने के बाद काम आता है रडर। इस बस में 35 यात्री बैठ सकते हैं और ये दिन में 3 बार पेरिस के चक्कर लगाती है। पूरा टूर 2.25 घंटे का होता है जिसमें से 20 मिनट लोग पानी पर रहते हैं। इससे घूमने में मजा तो खूब आता होगा।